क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके जो अस्तित्व की जानकारी कराता है, आपको आपका ही अनुभव कराता है, दूसरे की कोई बात नहीं करता है। दूसरा तो व्यवहार का जगत कैसे शुद्ध हो उसके सूत्र देता है, लेकिन वह आपके भीतर परिवर्तन करता है, आपके भीतर को सुधारता है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप सुधर गए तो पूरा संसार आपको सुधरा हुआ नजर आएगा। इसीलिए ये सही दृष्टि और सही सोच इसका मुख्य उद्देश्य है कि राइट विजन, राइट थिंकिंग, सो साइंस ऑफ द सोल की अवयव है और उसके अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषय है। तो आज हमारा जो विषय है सम्यक चारित्र, बहुत ही सुंदर विषय है। चारित्र का अर्थ होता है जीवन में ढालना। अभी तक तो आपको हमने सूत्र दिए थे, हमने आपको सम्यक ज्ञान की बातें बताई कि आपको ज्ञान मिल गया, ज्ञान की डिटेलिंग आपने चालू कर दी। आपको पहले दर्शन, राइट विजन मिला, रास्ता मिला और ज्ञान करना चालू किया। अब उसके बाद के अंदर मुख्य समय आता है, वो जीवन में ढालने का आता है। इसीलिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। एंड इफ द करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा 150,000 रुपया चला गया फिर कमा लेंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य आज नर्म हो गया, डॉक्टर को दिखा के दवाई करके स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन इस सफेद चादर के ऊपर दाग लग गई, उसका कोई इलाज नहीं है। इस चादर को साफ रखिए। ये शरीर रूपी जो हमारी श्वेत चादर है, इस पर दाग नहीं लगना चाहिए। वो सबसे बड़ा हमारी भारतीय संस्कृति में धार्मिक दर्शनों के अंदर चरित्र को ऊंचा बताया गया है। और पुराने जमाने में यही होता था, चरित्रवान साधु, चरित्रवान सन्यासी, चरित्रवान गुरु, उनका दर्जा राजा से ऊपर होता था। वशिष्ठ मुनि दशरथ से ऊपर बैठते थे और वशिष्ठ जो मुनि है वो राम के दरबार में राम से उनका ऊपर आसन होता था, क्योंकि वो गुणी थे, वो चरित्रवान थे। चरित्र की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है। जैन धर्म के अंदर नवकार मंत्र होता है, नमो रियंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आर्याणंग, नमो उज्जाणंग, नमो लोए सब सावणंग, ऐसो पंच नमुकारो सब पापनाशनो, मंगलाणंग च सब्बे सिंह पड़मंग हवई मंगलम। इसके अंदर अरियंत के जो है वो अरियंत के 12 गुण, सिद्ध के 8 गुण, आचार्य के 36 गुण, उपाध्याय के 27 गुण और 25 गुण और साधु के 27 गुण, इन पंच परमेष्टि सब की जो हम जोड़ करें तो 108 होती है। इसीलिए हमारे भारतीय धर्मों में, भारतीय दर्शनों के अंदर 108 मणके रखते हैं माला में। ये मणके व्यक्ति के नाम लेने के लिए होता है कि राम है, कृष्ण है, महावीर है वगैरह, नाम नहीं लिए जाते हैं। उनके गुणों की पूजा होती है, उनके गुण क्या क्या हैं उनकी पूजा होती है, और गुणों की पूजा ही सच्ची माला होती है। क्योंकि लाभ जो होता है वो गुणों से होता है। हम किसी व्यक्ति के दोष निकालते हैं उससे क्या लाभ होगा? हम व्यक्ति के गुण देखते हैं तो हमारे भीतर गुण बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति के दोष देखते हैं तो भीतर हमारे दोष बढ़ते हैं। अरे दोष तो भीतर बड़े पड़े हैं,
उन दोषों को और क्यों बढ़ा रहे हो? उन दोषों को धोने के लिए तो ये मानव जीवन मिला है, उनको घटाने के लिए मिला है और हम बढ़ाते जा रहे हैं। सामान्य जो व्यक्ति होता है जो कि सम्यक चारित्र में विश्वास नहीं करता, सम्यक चारित्र की परिभाषा नहीं जानता, वह क्या करता है? अवगुण बढ़ाता जाता है, अपनी आत्मा को भारी करता जाता है। और जिसको सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, फिर वो सोचने लगेगा कि मैं इसको जीवन में उतारूं, मैं इसको अप्लाई करूं, मेरे जो जीने की पद्धति में उसको अप्लाई करूं और जीवन वैसा बनाऊं, उस जीवन में ढालने को सम्यक चारित्र कहते हैं। अब आप देखिए कि सम्यक चारित्र जो है हम किस तरीके से करें। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक तो महाव्रती होते हैं, एक अनुव्रती होते हैं। इस धरा के ऊपर जो है लोगों की अलग अलग कैटेगरी होती है, सभी एक से दिमाग के नहीं होते, एक से बुद्धि के नहीं होते, एक से पराक्रम के नहीं होते हैं। इसीलिए कहा गया है जे कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, जो कर्म में शूरवीर होते हैं वही धर्म में शूरवीर होते हैं। धर्म में शूरवीर कौन से होते हैं? जो कि साधु सन्यासी बन जाते हैं। साधु सन्यासी होता है नौ कोटिक का त्यागी होता है, हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, 3×3 का गुणा करें तो वह जो है वो सम्यक जो है ना वो नौ कोटिक त्यागी हो जाते हैं, पूर्ण अहिंसक बन जाते हैं। इसलिए अगर मैं जैन धर्म को यहाँ कोट करूँ तो जैन धर्म के साधु पूर्ण अहिंसक की परिभाषा में आते हैं, क्योंकि सब तरह की हिंसा वो छोड़ देते हैं, स्वयं की हिंसा भी नहीं करते, स्वयं के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, दूसरे का भी बुरा नहीं सोचते हैं। तो वो तो होते हैं महाव्रती, अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, पांच महाव्रतों का 100% पालन करते हैं। लेकिन क्या कॉलेज में स्कूल में सारे स्टूडेंट वैसे ही होते हैं जो 100% सभी नंबर लाने वाले? नहीं होते हैं। ये हाथ की पांच अंगुलियां हैं, ये भी अलग अलग है, कोई छोटी बड़ी है। ये हमको इस बात का संदेश देता है कि विविधता है, शरीर में भी विविधता है और ब्रह्मांड के अंदर भी विविधता है, पर्यावरण में विविधता है, पशुओं में विविधता है, पक्षियों में विविधता है, मनुष्यों में विविधता है, पेड़ पौधों में विविधता है, सब में विविधता है, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हैं। तो इसीलिए हम दूसरे कैटेगरी के लोगों की बात करें जो कि सीधा साधा धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, सीधे साधे नियमों का पालन कर सकते हैं, उनको अनुव्रति कहा जाता है। अनुव्रत ऐसा सिद्धांत है जो कि व्यक्ति थोड़ा विजिलेंट हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो मनुष्य होना चाहिए, मानववादी होना चाहिए। मानव धर्म क्या कहता है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी को कष्ट नहीं दूं। इससे बढ़ के क्या धर्म हो सकता है? इससे सरल धर्म क्या हो सकता है? इससे कोई सरल धर्म नहीं हो सकता है। बाकी तो सब बहुत सी कॉम्प्लिकेसी है कि इतने पद करो, इतने रटो, इतने सूत्र याद करो, संस्कृत में करो, प्राकृत में करो, अंग्रेजी में करो, वो रटन विद्या है, वो रटन विद्या प्रदर्शित करती है, वो शब्दों की व्याख्या है। और हम आपको अनुभव की बात बता रहे हैं, जो कुछ भी आत्मविज्ञान में प्रारंभ से एंड तक बताया जाएगा वो तो शब्द तो एक माध्यम है। मैं चुपचाप अनुभव करता रहूं तो मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मेरे बिना बोले हुए आपको वो ज्ञान मिल जाए, या आप इतने ज्ञानी नहीं हो कि दोनों आपस के अंदर बैठ करके अपने ज्ञान का जो है विनिमय कर सके। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि दो बड़े बड़े आचार्य थे जो कि वो ज्ञान का संप्रेषण करते थे, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं थी, तो दोनों के शिष्य संपदा थी, तो शिष्यों सहित दोनों जो है वो मिलन करने के लिए आ रहे थे, तो दोनों शिष्य जो है बहुत खुश हुए कि इतने बड़े ज्ञानी आपस में मिल रहे हैं,
तो ज्ञान ही मिलेंगे, तो ज्ञान की बात होगी और हमको भी उपदेश मिलेगा, हमारा भी जीवन सफल होगा। तो क्या था, एक तरफ एक आचार्य महाराज बैठ गए, दूसरी तरफ दूसरे ज्ञानी महाराज बैठ गए। दोनों प्रकांड ज्ञानी थे, अनुभवी थे, आत्मज्ञानी थे, उनके भीतर आत्मा शुद्ध अवस्था के अंदर था, वो ज्ञाता दृष्टा थे और वो अकर्ता भाव वाले थे, वो ईश्वर के रूप के अंदर थे। दोनों जब बैठ गए तो दोनों ने एक दूसरे से आंख मिलाई और वो आधा घंटा 15 मिनट घंटे भर तक आंख मिला करके टेलीपैथी के माध्यम से वो ज्ञान का जो है संप्रेषण करते रहे। उनका ज्ञान इसके पास आया, इनका ज्ञान उनके पास आया और दोनों संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपना ज्ञान का आदान प्रदान करके और तय किया कि रियल ट्रुथ ये है, रियलिटी ये है। दोनों ने मान्य किया और दोनों आचार्य चल पड़े। तो शिष्यों ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, कोई बात ही नहीं हुई, हम तो समझ रहे थे शास्त्रार्थ होगा, एक अपने शास्त्र के जो है बड़े बड़े सूत्र बताएंगे और दूसरे अपने शास्त्र के सूत्र बनाए बताएंगे, व्याख्या करेंगे। लेकिन उन्होंने अनुभव से बात किया। तो भाई और बहनों, ये हमारा आत्मविज्ञान अनुभव जन्य है, लेकिन अनुभव जन्य भी शब्दों के द्वारा प्रदर्शित करना पड़ेगा। मुझे भी इस मीडिया का सहारा लेना पड़ा, स्टूडियो का सहारा लेना पड़ा, तभी आप इसको जो है टीवी के माध्यम से देखने पाएंगे। लेकिन मैं किसी बिना किताब को पढ़े, किसी बिना चीज को किए हुए भीतर से जो आ रहा है वही आपको परोसता जा रहा हूँ। हर बार मैं आपको यही कहूँगा कि जो कुछ भी बता रहा हूँ मेरा अनुभव बोल रहा है। मैंने पढ़ा जरूर है, पढ़ाए बिना तो पढ़े बिना क्या मनन है, लेकिन हूबहू रट के वो सूत्र आपको नहीं रटा रहा हूँ, मैं तो मेरी सीधी सादी भाषा में आपको बता रहा हूँ, आपको उसका ज्ञान दे रहा हूँ, आपको उसकी जानकारी हो जावे। तो इस तरीके से हम सम्यक चारित्र की बात कर रहे थे। सम्यक चारित्र ये होता है, हर चीज को अपने जीवन के अंदर डालो, अपने आप को टेस्ट करो और अपने आप को जो है पहचानते रहो। इसके लिए जो है हमारे सूत्र है कुछ, जैसे कि सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 5 ऐसे सूत्र है जो आपको धीरे धीरे इसकी व्याख्या को समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरा चरित्र जो है, ये ज्ञान मेरे भीतर कितना उतर रहा है। सम, स सादा सोहन लाल वाला स, स म, सम का मतलब समता भाव। क्या आप किसी भी प्राणी को देखते हो, चूहे को, बिल्ली को, पेड़ को, पौधे को, माता को, पिता को, अफसर को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, MLA को, MP को, संत को, तो आपके भीतर विचार आता है क्या कि इसके अंदर वही आत्मा विराजमान है जो मेरे में है। बरगद के पेड़ को देखो तो आपके भीतर में विचार आना चाहिए, इसके भीतर वही कॉन्शियसनेस है, भीतर उसके वही आत्मा है, भीतर वही चेतना है जो मेरे भीतर है। ये आपको समता भाव आना चाहिए कि मैं इनके साथ में ऐसा व्यवहार ना करूं जो कि मुझे प्रिय ना हो, ऐसा कार्य नहीं जो मुझे कष्ट कर लगता है मैं इसके साथ नहीं करूं, इस पेड़ को नहीं काटूं, मेरे से छोटा भाई है और मैं उसको इंसल्ट नहीं करूं कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं घमंड करूं, अरे तेरे को कुछ नहीं आता, इतना से नहीं आता, अरे क्या नहीं आता, वो तो खुद ज्ञान का भंडार है, उस भंडार को खोलने की बात है, तुम्हारे जैसा ही वो अनंत ज्ञान वाला है। तो इस तरीके के संभाव, ये चारित्र जब हमारा पुष्ट होता है या चारित्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो टेस्ट है कि ये हमारा अनुभव धीरे धीरे, हमारा अनुभव जो है वह पक्का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम आपको पक्का करना, मेरी सब बात जो है सरल सरल भाषा में, आपको पक्का करना है, आपका भीतर हिलना नहीं चाहिए। आपके भीतर जब दुख आवे तो वही स्थिति हो, सुख आवे तो वही स्थिति हो, ऐसा नहीं कि सुख आ गया, आपको सम्मान किया तो आप फूल गए कुप्पे की तरह,
और जब आपका जो अनादर किया, आपकी किसी ने इंसल्ट की, डिप्रेशन में चले गए, एकदम आप निराश हो गए, नहीं, दोनों स्थितियों को समान समझो कि ये जो तिरस्कार हुआ है मेरे कर्मों की वजह से, ये सम्मान मिला है मेरे कर्मों की वजह से, और जिसने किया है मैं नियोजित करके आया था। नियोजित कहते हैं भगवान की आज्ञा बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। सही कहा गया है कि कर्म के उदय से ही होता है, कर्म के उदय बिना न तो आपके कोई संपर्क में आएगा, न आपको फोन करेगा और न आपको कोई बात करेगा। इस शहर में कितने लोग रहते हैं, 20 25 50 लाख की आबादी के लोग होते हैं, क्या हम सबको जानते हैं, क्या वो हमारे संपर्क में आते हैं, नहीं आते हैं। हमारे संपर्क में सुबह से शाम या जीवन में वही आएंगे जिनसे हमारा लेना है, जिनसे हमारा देना है, जिनसे हमारा डेबिट है, जिनसे हमारा क्रेडिट है। तो सम की बात मैंने की। दूसरा शम, शम का मतलब होता है, शम ना शंकर वाला, शम मतलब शमन करना, जिसको निर्मूल करना, जो हमारा नाग फुफकार रहा है, अहंकार रूपी जहरीला नाग है, उसको कंट्रोल करो, उसको जो है संडासी से पकड़ लो, और उसका उसके भीतर जो जहर की थैलियां, मारने की बात नहीं करते हैं, लेकिन सपेरे क्या करते हैं कि जहर की थैली को निकाल देते हैं, और वो कितना ही फुफकारे, कितना ही आपके डंक मारे, आपके कुछ नहीं होगा, मात्र एक मनोरंजन होगा, क्योंकि जहर निकल गया। ये जहर है वो अहंकार है, ये भीतर से निकला या नहीं निकला, ये सबसे बड़ा सम्यक चारित्र है, और यही करना है जीवन भर। जो हमारा कषाय का जहर है, क्रोध का जहर है, अहंकार का जहर है, माया का जहर है, ये प्रकट नहीं होना चाहिए, और प्रकट होता है, प्रकट होगा, क्योंकि हम पीछे लेके आए हैं। जो होता है, जो हो रहा है, वो पूर्व जन्म का है, लेकिन नया क्रिएट करना, वो हमको आत्मज्ञान मिलने के बाद में नया क्रिएट नहीं होगा। ये जो, क्योंकि जो करने वाला है उसको ज्ञान मृतवत कर देता है। आत्मज्ञान क्या करता है कि सबसे पहले इस नाग का राम नाम सत करता है। मैं मारने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं अहंकार रूपी नाग को मृतवत कर दिया जाता है। जब उसको मार दिया जाता आगे फल नहीं देगा, लेकिन जो भीतर पड़ा है वो अहंकार की वजह से हो रहा है, वो तो होगा ही, जिसको कि हम जो है निर्जरा वाला अहंकार कहते हैं, डिस्चार्ज अहंकार कहते हैं, ये तो चलता रहेगा और उसके अंदर कोई दिक्कत भी नहीं, होगा ही, ये हो रहा है, ये हम कर नहीं रहे हैं। हम करने की बात है, जागृति है। वो जागृति क्या है, हमारा मन इधर उधर डोलना नहीं चाहिए, गलत अवस्था में नहीं जाना चाहिए। तो हम बात करते शमन करना, क्रोध का शमन करो, अहंकार को, शमन का मतलब दबाना, दबाना का मतलब प्रेशर से नहीं, समझ करके कि भाई ये मेरे दुश्मन है, क्रोध अहंकार माया और लोभ। जब ज्ञान मिलता है तो जब अहंकार का शमन हो गया, मतलब कषाय का शमन हो गया, चारित्र में आ गया। चारित्र में आने का मतलब ये है कि आपको कष्ट नहीं देने वाले होना चाहिए, तो ये शम हो गया। सम 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 शम और संवेग, और एक होता निर्वेद। संवेग का अर्थ होता है कि जो है सांसारिक जो चीजों है उसके अंदर रस नहीं आना। पांच इंद्रियों के जो विषय होते हैं, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मेरा शहर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरा दौलत, मेरा बंगला, मेरा बैंक बैलेंस 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, मैं अरबपति बन जाऊं, मैं बड़ा नेता बन जाऊं, मुझे पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, ये सारी जो है ये भावना करना, और इसके उसकी उसकी ये भावना उसमें लुभाना, उसके भीतर घुसना, ये सारा जो संवेग है उस संवेग से दूर रहना चाहिए। जीवन जियो सादगी का जीवन, इंसानियत का जीवन। हमने जन्म लिया है, हम कर्म लेके आए हैं, लेकिन हम आत्मज्ञानी हैं, तो हमको जो है जो कुछ हो रहा है उसको संभाव से सहन करना,
उसको एक सा समझना, ये जो है सम्यक चारित्र है और ये संवेग है और उसमें रस लेना, अब्रह्मचर्य करना और दूसरा क्या है अच्छे रूप के अंदर जो है वो खुश होना, अच्छे गंध के अंदर खुश होना, सुगंध में खुश होना और दुर्गंध के अंदर दुखी होना, ये जो प्रियता अप्रियता राग द्वेष यही दुख का कारण है, यही कर्म बंधन का कारण है, यही सम्यक चारित्र को गिराने वाला है, यही सम्यक चारित्र को नहीं लाने वाला है। तो इसका हमें जानकारी करना और ये जब सारी जानकारी, ये कहते हैं संवेग, और निर्वेग का मतलब वैराग्य। भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सत्संग करते हैं इतने भाव विभोर हो जाते हैं, हमको समय का पता नहीं चलता, आप मेरी तरफ देखते हो मैं आपकी तरफ देखता हूँ, हम तादात्म्य हो जाते हैं, तारतम्य हो जाते हैं, क्योंकि हम जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं दोनों का गुण है, दोनों का स्वभाव है। आत्मविज्ञान हमारे भीतर के स्वभाव को, हमारे भीतर के स्वरूप को, निज स्वरूप को उजागर करने के लिए ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम हुआ। आप देखते रहिए, आप देख रहे हैं, इसके लिए आपकी प्रति कृतज्ञता अपने मोहल्ले वालों को, अपने परिवार वालों को टीवी के माध्यम से आता है, तो आप कुछ देखते रहिए। टीवी माध्यम में आपकी शंका समाधान करने के सूत्र है, ईमेल है, सारा है, फोन है, उसके जरिए आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि सही सोच।